हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों की मेरे और एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, उसके से पहले आप लोगों को मैं जानना चाहता हूँ दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज मेरे गांव में बहुत ज़्यादा मेला लगा हुआ है दीपावली के। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मेला है। तो आज मैं आप लोगों को मेरे गाँव में कैसे मेला लगते हैं, इधर के लोगों का जो रिएक्शन है वो आप लोगों को दिखाऊँगा मेला के वगैरह। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, मैं आप लोगों को मेरा गांव का जो मेला है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हम लोगों का मंदिर है और आप लोग देख सकते हो तो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए, मंदिर के ऊपर जाते हैं हम लोग काली माता का दर्शन करने। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है मंदिर। और कितना ज़्यादा भीड़ है आप लोग देख सकते हो, लोग आ रहा है जा रहा है। ये बहुत देर से चालू है और बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है आज। दूसरी साल इतना ज़्यादा नहीं होता है, इस साल बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, साइड में लोग बैठे हुए हैं। ये भैया भी ब्लॉग कर रहे हैं। इधर एक पानी का टंकी है, तो हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मंदिर कितना खूबसूरत दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, यहीं पे बलि देते हैं और ये है मंदिर। दिख रहा है इधर, बहुत ही अच्छे से सजाया है मंदिर को। लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से किया है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर से। उससे एक बजरंगबली का मूर्ति है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये बजरंगबली का मूर्ति है। और ये मंदिर इसका बाहर का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत है। रुमान ना रही क्या ना कंधी भूलिएगी रुमान। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को काली माता दिखाता हूँ। दोस्तों, यही है
हम लोग का चरण पाड़ी का काली माता बहुत लोग पूजा करने आए हैं। ये चरण पहाड़ी काली माता मंदिर पुजारी पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बलि देने का जगह है, आप देख सकते हो बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग आए हैं इधर। और दोस्तों यहीं पे एक भगवान शिव का मूर्ति है, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही है वो भगवान शिव का मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत से की खूबसूरत है। अंदर भगवान शिव का मूर्ति है और ये बैठने की जगह है। वॉलंटियर कोई VIP गेस्ट इधर आके बैठता है इधर। और हर तरफ सिर्फ वॉलंटियर हैं। और ये मंदिर का पीछे का नज़ारा है, रात को पूजा होगा तो इसलिए लोग सुए इधर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये मंदिर का पीछे का सीन है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर लेडीज लोग फोटो खींच रहे हैं और बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कोई लोग इधर, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, रात को पूजा है इसलिए पूरा रात रहेगा इधर, इसलिए ये लोग आराम कर रहे हैं इधर सो के बैठ के। और ये बाहर का थोड़ा सा जगह है इधर घूमने के लिए। ये मंदिर का पीछे का है, ये लोग आराम कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे इधर। इधर आदमी से ज़्यादा औरत आई है, इधर आदमी थोड़ा कम लग रहा है, औरत ही ज़्यादा है इधर। और बहुत ही अच्छा जगह है, खूबसूरत है, दिखने लायक जगह है। मंदिर भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर को सजाया है। और दोस्तों इस मंदिर का जितना भी खर्चा आएगा वो हम लोग का जो पुलिस स्टेशन है वही लोग देते हैं, पुलिस लोग वाले। और बहुत ही खूबसूरत सजाया मंदिर को, इधर बकरा लाया है, इसका बलि देगा आज। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर को पुरोहित क्या कर रहा है। ये रहा मंदिर का पुरोहित, तो थोड़ी देर बाद पूजा होगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोनों पंडित हैं और इधर लोग अगरबत्ती
मोमबत्ती दीपक जलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होगा। और क्या बताऊँ मंदिर के बारे में, आप लोग तो देख ही रहे हो। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।